काला जादू से पैसे को डबल करने का दिया झांसा, पीड़ित को दिया ईंटों से भरा सूटकेस। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। काला जादू के जरिए लोग पैसा डबल करने का लालच देते हैं और ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनके लालच और चंगुल में फंस कर अपनी जिंदगी भर की कमाई को एक पल में गवा देते हैं। ऐसे ही एक और मामला दहिसर पुलिस स्टेशन ने सुलझाया है। 2 महीने पहले का ये मामला है, जहां पर दहिसर पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है प्रवीण पाटिल, उन्होंने इस पूरे केस को इस तरीके से हैंडल किया कि पहले तो जो शिकायत करता है 75 वर्षीय अरुण गढ़ीकर, उसे प्रॉपर्टी खरीदना था मुंबई और नवी मुंबई के अलग अलग जगहों पर, तो ऐसे में उसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को सेविंग किया हुआ था और इसी सेविंग के ज़रिए वो प्रॉपर्टी देख रहा था। तभी इंटरनेट के ज़रिए एक सोनी नाम के आरोपी से उसका कांटेक्ट हुआ और सोनी ने उसे बुलाया और फार्म हाउस पर 2 लोगों से मिलवाया, जो प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर उसे मिलवाया गया था, नारायण और पवार। नारायण पवार ने उसे एक फार्म हाउस पर ले जा करके एक जादू दिखाने की कोशिश की, जिस जादू को कर रहे थे वहाँ पर उन बाबा का नाम उसे कैलाश बाबा बताया गया और कला और जादू कर कुछ रुपए दुगने करके दिखाए भी गए। ये देखकर शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने काला जादू के जरिए उसे भी रुपए दुगना करने का भरोसा दिलाया, जहाँ पर उन्होंने सतारा के नगर परिषद में 10 लाख और महिला से 5 लाख अलग अलग राशि मिली और काला जादू से उन्होंने उसे 25 लाख रुपए बनाकर दिखाया। ऐसे में आरोपी ने 24 मई को वरिष्ठ नागरिक को सतारा बुलाया और वहां पर काला जादू दिखाकर 25 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद कुछ ही मिनटों में उसे 75 लाख रुपए की राशि दिखाई, ब्रीफकेस उसे सौंप दिया और आरोपी ने उसे 3 दिन तक उस ब्रीफकेस को नहीं खोलने की चेतावनी दी, जहाँ पर 3 दिनों बाद शिकायतकर्ता ने सूटकेस खोला तो उसने पाया कि उसमें ईंटों से भरा हुआ ये पूरा ब्रीफकेस था और इस ईंटों से भरा हुआ ब्रीफकेस देख करके वो काफ़ी दंग रह गया, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन करते हुए इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इनकी पहचान अजीत प्रिया सोनी, गणेश पवार और संयुब बाबा, जिसे कैलाश बाबा के नाम से जाना जाता है, इन सभीों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद, पूरे गिरफ्तारी के बाद दहिसर पुलिस स्टेशन ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। दहिसर पुलिस स्टेशन में 6/6/22 को एक फरियाद दर्ज हुई है। तो फरियादी है अरुण सीताराम गाड़गिल, उम्र है उनका 75, ये सीनियर सिटीजन है। उनको दादर में एक फ्लैट लेने का था, तो इनकी पहचान प्रिया सोनी और अजीत पाटिल जो वसई में रहते हैं उनके साथ इनकी पहचान हो गई। उन्होंने दादर में फ्लैट लेने का है करके उनसे बात हुई, तो इनके पास जो पैसा था, तो ये प्रिया सोनी और अजीत पाटिल ने बोला कि ऐसे लोग हैं जो आपको ये पैसा जो है ये डबल भी करके दे देंगे जादू टोना से। इसके लिए उन्होंने सातारा में जो गणेश पवार है इसकी पहचान गाड़गिल से करके दे दी और उनको सातारा में लेके गए। वहाँ दो बाबा जो एक कैलाश बाबा करके थे, उन्होंने वहाँ जो तो कुछ पैसा लेके एक मड़के में वो पैसा डाल के डबल करके उनको दिखा दिया, तो इनका विश्वास उनके ऊपर आ गया फरियादी का कि ये ऐसा कर सकते हैं करके। तो उन्होंने फिर उसको 25 लाख रुपया दिया, 25 लाख रुपया एक पेटी में बंद करके उसके ऊपर कुछ जादू टोना करके उन्होंने 3 दिन घर में रखने के लिए बोल दिया। फरियादी गाड़गिल ने 3 दिन अपने घर पर वो पैसा रखने के बाद जब भी पेटी खोला तो पेटी में कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तो ये बोला कि ये किसी भगवान का आपके ऊपर कोप हो गया है और 20 लाख रुपया आपको और खर्चा करना पड़ेगा। और उन्होंने 20 लाख रुपया लिया और जादू टोना करके फिरियादी गाड़गिल को इन्होंने फंसाया था। ये कंप्लेन उन्होंने पुलिस स्टेशन में देने के बाद हमारी टीम पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम हमारे और हमारे डिटेक्शन के ऑफिसर सपोनी मल्लार और सपोनी चौहान और उनकी टीम, उन्होंने सब CDR और इन्फॉर्मेंट के पास से इन्फॉर्मेशन निकाल के ये इसमें से पहले जो गणेश पवार सातारा में से उसको ताबे में लिया, उसके बाद में बाकी के प्रिया सोनी, अजीत पाटिल और जो बाबा है कैलाश बाबा, उनको सबको ताबे में लेके इंक्वायरी किया। उन्होंने गुनाह कबूल किया है, बाकी की तफ्तीश अभी जारी है। इन आरोपियों ने अब तक और कितने लोगों को ठगी किया है और कितने केसेस इनके ऊपर है? इन्होंने काफ़ी लोगों को ऐसे बाहर ठगा है, तो जो भी
किसी पुलिस स्टेशन में ऐसी केसेस हुई होगी तो वहाँ के कंप्लेनर या कोई भी हमारे पुलिस स्टेशन में आएंगे तो हम उनको फ़ोटो दिखा सकते हैं, फ़ोटो देख के उनको पहचानेंगे तो फिर वैसी कंप्लेन और भी दर्ज हो सकती है। तो मेरी सभी को विनती है और आह्वान है कि ऐसे कोई जो ठगा है वो हमारे पुलिस स्टेशन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नए न्यूज़ के।